तो सबसे पहले आप इंडक्शन कुकटॉप को ऑन कर लीजिए, और ऑन करने के बाद आप उसको रोटी पे सेट कर दीजिए। अगर आपके इसमें रोटी का बटन नहीं है तो आप उसको 800 वाट और 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोटी सिकनी शुरू हो गई है, देखिए उसका रंग बदल गया है। अब आप इसको तुरंत ही पलट दीजिए। इंडक्शन स्टोव में रोटी पकाने का तरीका गैस से थोड़ा अलग होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटी दूसरी ओर से भी पक रही है। अब ये एक तरफ से पक चुकी है, अब आप इसको दूसरी तरफ से कर दीजिए। और ये देखिए, ये हमारे पास ये देखिए रोटी फूलना शुरू हो गई है, इसलिए इसको सभी ओर से बराबर तरीके से दबाना पड़ता है। चूँकि गैस नहीं होती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप रोटी को अच्छी तरह से दबा करके उसके सभी हिस्सों को तवे से लगाएं, जिससे कि ये सब ओर से बराबर तरीके से पक जाए।